विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। हम पहुंच गए हैं सीधी नगर पालिका के द्वारा संचालित आश्रय स्थल, जो हमारे पीछे देखी लागे यह आश्रय स्थल बनावा गया है वह गरीब मतलब कहा जाए कि मजलूम व्यक्ति खातिर, जेके लगे शहर के अंदर कोनो व्यवस्था नहीं है, जे निराश्रित रूप से है या कहा जाए कि वह पूरी तरह से आश्रित है ऐसा सरकारी सुविधा में। कहे कि कल एक घटना भय जो इंदौर नगर निगम के द्वारा भय और वहाँ गरीबन का जो सड़क के किनारे रहे बेसहारा रहे उनका रैन बसेरा में न ले आए के उनका जो है छिप्रा नदी के किनारे छोड़ देगा। पूरे देश में ये बात की चर्चा ही पूरी तरह से यह जो है अमानवीय कृत्य जो है इंदौर नगर निगम के द्वारा किन गया। तो हम सीधी के जो है वर्तमान में आश्रय स्थल रैन बसेरा है जो गरीबन का निःशुल्क रूप से यह व्यवस्था उपलब्ध करावत है कि यहाँ रुक सकें, उनके भोजन की व्यवस्था हो सके। तो हम यहाँ के जायजा ले थे कि आखिर हालात का है, या हम दिखावे चाहे थे कि यह पुरुष हाल बना है थे ये अपना देख ला है। कार्यालय आए, कार्यालय में अभी कौनों अटेंडर ये थे मौजूद नहीं आई, और हम यह दिखाई थे कि ये थे आश्रय स्थल में के मौजूद हैं। यह आश्रय स्थल आए, यहाँ पूरी व्यवस्था दीन गई ही, गद्दा कंबल सब रखा लाग है। अब किंतु अभी ये खाली है, कुछ लोग हैं इठे, उनसे हम पूछे थे कि कैसा नायन कहाँ से आए, क्या नाम है भैया अपना के? दुर्गेश बोल रहे सर। कहाँ से आए हैं? बालाघाट जिले से आए थे। काहे काहे हैं यहाँ? पेपर कल एग्जाम है व्यापम का, उसके लिए आए थे। यह बताइए कितना पैसा लीन जा रहा है अपना से? नहीं निःशुल्क है जी, निःशुल्क है, एक रुपया नहीं लेंगे जी, निःशुल्क। खाना वगैरह? नहीं खाना तो अभी आज अभी जस्ट ही आए हैं, अभी खाने वाने और पहली बार आए हैं तो नहीं। तो अपना को जानकारी दी कि ये ठेबे चाहिए या यहाँ रुका जाए चाहिए? फ्रेंड लोग आए थे मेरे, तो उनसे जानकारी मिली कि यहाँ अच्छी फैसिलिटी है, गद्दा वद्दा की सुविधा है, इसलिए वहीं जाओ। अच्छा, पैसा एक रुपया नहीं लिया? नहीं पैसे नहीं। चलिए ठीक है, अपना रहे अपना जो है प्रतियोगी परीक्षा दे आए हैं या जो है आश्रय स्थल में रुके हैं। कितने लोग हैं यहाँ जो अभी रुके हैं अपना साथ वाले? करीब सर सप्ताह मतलब सात लोग, सात से ज़्यादा लोग रह चुके हैं अभी तक बालाघाट जिले के। अभी अभी आज की डेट में कितने लोग होंगे? अभी जब से आप आए हैं कितने लोगों को यहाँ देखे हैं? सर वो अंकल और मैं दो ही लोग हैं अभी। अच्छा चलिए, उन लोगों से हम जानकारी ले थे, अपना सोए रहे हैं थोका जो है, हम गलत कह रहे हैं केहू के सोवे से जगावे न चाहिए, किंतु हम यह व्यवस्था के बारे में जानकारी ले चाहिए थे। का नाम है चाचा जी? अखिलेश मिश्रा। कहाँ से हैं अपना? हम यहीं से हैं, बनारस के आए रहने वाले। बनारस से यहाँ कब से हैं अपना? अरे आज आए। आज आए हैं, क्या काम करी थे अपना? हम सर्विस करी थे। कहाँ? यहीं पास है में। नहीं नाव जगह बताई ना? बभनी गांव में। काहे के कौन है वो महन डिपार्टमेंट? आयुष विभाग। आयुष विभाग में। यहाँ पहले रुक चुके हैं कि पहले भी आए? नहीं कभी कभी और रुक गए हैं। तो यहाँ पैसा रुपया लागत है? नहीं पैसा रुपया नहीं लागत। व्यवस्था का मिला थी? हो गया यही जो कुछ है, यही जो है। नहीं तो है बोल दे ना अपना के द्वारा, हम वही सुने चाहे थे कि क्या व्यवस्था है। बस बिस्तर कंबल सब। हाँ चलिए ठीक है, यह जो है व्यवस्था नगर पालिका परिषद के व्यवस्था है, और यह व्यवस्था में मतलब प्रमुख रूप से अहम यह है कि गरीबन का लाभ मिले यह व्यवस्था के, जो बेसहारा हैं किंतु ठंड में मर रहे हैं सड़कन में। कोशिश करब कि हम सीधी के सड़क में ऐसा लोगन से अपना का मिलाई थे जिनकर कबो सीधी के नगर पालिका सुधी नहीं लाया। हम कुछ जो है ये महिला हाल है जहाँ जो है कुछ महिला रुकी हैं, उनसे पूछी थे कि कब से हैं, कैसा नहीं, कब आई। अम्मा जी का नाम है अपना के? वेदवती कुशवाहा। कहाँ से हैं अम्मा जी? सैजनहा के। यहाँ का करी थे अपना? कुछ नहीं करी, हमारे को नहीं आया, घर द्वार नहीं आया तो हो गया। हाँ। कब से हैं अम्मा जी? हैं दो साल भारे से हो गया। दो साल से। यह बताइए अपना का यहाँ भोजन पानी और कोनो व्यवस्था मिला थी कि नहीं? बैठ ली ना। हाँ ये मिला था। खाना फ्री मिला था? पैसा लागत मिला था? का मिला था? आज का खाया? दाल चावल सब्जी रोटी। तो यहाँ आबत है खाना अपना या फिर कहाँ जाई थे? खाना यहीं थे बना था ना।
रसोई में दीन दयाल वाले में हाँ जो रसोई है तो वो माँ अपना पैसा तो नहीं मांगा जाए नहीं मांगा नहीं मांगे और यहाँ पहुड़े ओढ़े के सब व्यवस्था है हाँ, का हाँ। का मिला थे यहाँ से व्यवस्था में अपना का सब है ये नहीं तो का चद्दर चद्दर हदसाए हैं या कम्बल है या कम्बल है रात के ठंडा है तो नहीं है नहीं ठंडा है नहीं ठंडा है ना व्यवस्था मिली है अपना का हाँ। तो अपना कुछ करते है कि केवल यहाँ रहते करे थे कुछ नहीं कह सकता है ना ये शक्ति नहीं आए नहीं तो अपना के परिवार में को नहीं है कौन ही है एक ठे बिटिया भर रही था वह है जो 4 साल से मरी है जी वो खलाइए तो हदहन सिलवार कह के चले आए तो वह बिहान भय मरी गए पता नहीं का कई दिन ही और ये आसा नातिन रही था नातिनू कहीं ऐसा अब दूसर शादी कह रहे था यह गला दबाई की मार डारी और यह बताई कि अपना साथ थे और कितनी महिला रहती है हो या आ जाती हैं कई जने आऊ हो या कबो कबो आ जाती हैं हाँ। रोज नहीं आती हैं अच्छा नहीं तक पैसा अपना देखी थे ठे महिला उती है हैं मतलब असुविधा तो नहीं है कोनों में के अपना कहीं है नहीं को कोनों चीज की दिक्कत समस्या नहीं आए नहीं आए चलिए ठीक है ये अच्छी पहल ही कि आज एक बेसहारा माँ जो है एक आश्रय स्थल के गुजारा है किंतु दुखद यह है कि हमारा समाज आखिर कौने दिशा में जा रहा है एक माँ जो पूरा परिवार का बनावट थी किंतु आज वह बेसहारा ही किंतु या नगर पालिका परिषद सीधी की एक व्यवस्था है एका दिखावे के उद्देश्य हमारा यह है कि वो लोग जाने यदि अपना के कोनो जान पहचान वाला व्यक्ति ऐसा हो जे कि आगे पीछे को नहीं है ओके खीतिर सीधी में आश्रय स्थल बना है जहां पूरी व्यवस्था जो है मौजूद ही अब हम और लोगन से जो है अब अम्मा जी कुछ और कहे चाहती ला जी हमको सुन ली हाँ बताइए अम्मा हम यह चाहे थे कि का हम ही थोक कहाँ से जमीन न मिल जाए तो कहाँ से घर बन जाए एक ठे नाती है नाती है एक ठे नहीं अम्मा अबे तो हम यह जायजा ले आए हैं देखे आए हैं कि यहाँ अपना पचन की का व्यवस्था ही खाए पिए का मिलत है नहीं मिले ओढ़े दसावे का है कि नहीं आए कहे कि यह ठंडी ज़्यादा है अपनों ख्याल रखी है ना तो वह चीज़ खीतिर हम पचे आज देखे आए हैं फिर अगली बे अपना से भेंट करब हम कि आखिर देखिए अब आई थे और कुछ अपना के निजी समस्या का लेके फिर बाद में मतलब फिर हम चर्चा करब और कोशिश करब कि अपना के बात जो है शासन प्रशासन तक पहुँचाई किंतु सबसे बड़ी बात कि यह आश्रय स्थल के जो प्रमुख काम है यह है कि यह आश्रय स्थल में वह गरीब बेसहारा मजलूम लोगन का यहाँ जो है रहे की व्यवस्था मिले उनका व्यवस्थित जो है इंतजाम दी जाए और हम एठे कोशिश करी थे कि यहाँ के संचालक कहाँ हैं को देखा थे यहाँ यहाँ आप देखते हैं का नाम है अपना की अनिरुद्ध कुमार कौर वैसे तो यहाँ के मनोज चौबे देखते हैं कहाँ हैं वो आज कल छुट्टी है नगर पर तो घर गए हैं तो हम भी उन्हीं के साथ में रहते हैं तो गया हम आज हम भी देखते हैं नहीं तो नगर पालिका कर्मचारी काहे केस से बताए के गए नगर पालिका में हमें सौंप कर गए हैं कल छुट्टी है नगर पालिका अपना नगर पालिका कर्मचारी आए हैं जी हैं हम कर्मचारी नहीं है वो हमें रखे हैं मनोज चौबे सर हाँ उन्हीं के साथ में रहते हैं तो मनोज चौबे का फोन लगाई चलिए हम बात करी थे उस जो है व्यक्ति से जो एकर देख रेख कर थे बात कराई और हम लाइव बात करब कहे कि देखिए यदि कोनो व्यवस्था बनाई गई ही व्यवस्था सही रूप से संचालित हुए हेलो हेलो हाँ मनोज जी हाँ जी तिवारी जी प्रणाम 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 ये बताइए कि यह यहाँ का व्यवस्था है अपना के यहाँ आश्रय स्थल में जी यह कितने लोग हैं यहाँ आज छुट्टी में हैं सुने अपना हाँ बहने जस्ट उसे ला गए रीवा आ गए कुछ काम रहा नहीं तो यह अपना नगर पालिका की ओर से यहाँ रही थी कि अपना नहीं, नहीं अपने नगर पालिका में सिटी मिशन मैनेजर में अच्छा
जी हाँ। तो यहाँ मतलब एक ही आदमी की ड्यूटी लगी है क्या जाने की लगी? नहीं, पहले अपने एनजीओ का 8 दिन का रहा, अब उनका अनुबंध खत्म हो गया तो एक दिन नहीं गया। हाँ, तो मैंने नया टेंडर उन्डर की जी, तो संस्था का दिन जी। नहीं तो रात की को है यहाँ? अबे तो अबे आप हम ही पचे देख रहे हैं नगर पालिका से अपने, तो रात के कौन स्टाफ है? हम ये पूछ रहा है रात की है ना अपना के राकेश से मैं चाहे अनुरोध करके है लड़का अपने के। नहीं तो ये पचे नगर पालिका कर्मचारी आई? नहीं, रहा थे वही रहा थे अपने नगर पालिका से देखा जा रहा है वर्तमान में, नगर पालिका के यहाँ कर्मचारी न हो। हम नगर पालिका के जिम्मेदार कर्मचारी से बात करे चाहिए थे। हाँ, बिल्कुल अपना हमसे बात कह सकी थी। नहीं तो बात कह सकी थे, अभी मान ली कोनो जरूरत हो को कमरा ले आवे तो जिम्मेदार को है? हाँ वहाँ है अनुरोध करके है लड़का, नहीं तो आप सब व्यवस्था वो देखता है। नहीं तो नगर पालिका में ऐसा कौन मतलब कर्मचारी यहाँ जो रात के नाइट ड्यूटी की नहीं पदस्थ ही? हाँ वही देखा थे, वही देखा थे चाहे अपना के रात की वापस थे वही देखा थे, बाकी हम रही थे पूरे उमा शाम के संडे वनडे का मालिक चले आए थे घरे। नहीं तो डे नाइट दोनों में अपना ड्यूटी लगी है? नहीं ड्यूटी हमार नहीं लगी है, हम अपना के ऊपर इसे अब जब तक रहे हैं तो संस्था के माध्यम से चलत रहा है। ठीक है, अब उनका एग्रीमेंट खत्म हो गया है तो अभी नई संस्था के चयन नहीं भैया, मैडम आई है तो वो नया अपन टेंडर उन्डर कराओ। नहीं तो बात अपना यह बताई कि का जो है यहाँ नगर पालिका के ओर से पदस्थापना अभी वर्तमान में फिलहाल खीतिर के हुए कीन गई ही? नहीं अभी नहीं भैया। नहीं तो पदस्थापना भय ही कि अभी यह कर्मचारी यह व्यवस्थन का देखी? हाँ भाई देख रहे हैं मैं, अब पदस्थापना कूक नहीं भैया, अब ओकर टेंडर के माध्यम से कोनो संस्था के दे के हवे। चौबे जी अपना घूम ही रहे हैं चरहू के, हम अपना से सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि अपना यह बताई कि अपना का यहाँ जो है स्थापित कीनगा है जब तक यह व्यवस्था बहाल नहीं हुए या टेंडर नहीं दी? नगर पालिका से कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है। तो अपना नगर पालिका कर्मचारी न हो है? हम है ना, हम तो बता तो रहे हैं कि हम है। नहीं तो अपना का रखा का हुई नहीं है नगर पालिका से? नहीं तो हमें नहीं रखा गया है भाई साहब, हम तो अरे आप क्या बताएं, आप हमसे मिले भी हैं ना नगर पालिका से, हम सिटी मिशन मैनेजर हैं, इसमें आपको जैसे जो आपको आश्रय स्थल है ये सब देखना जैसे है हमारा, उसको व्यवस्था का है, तो पहले संस्था देखती थी तो वो देखा करती थी। ठीक है, संस्था नहीं है तो अभी वर्तमान में हम ही देख रहे हैं, अब जब संस्था को नया चयनित किया जाएगा तो उसको अपन एनजीओ। नहीं तो अब रात के यह मान ली कि रात के अपना नहीं आए हैं तो नगर पालिका के कोनो जिम्मेदार व्यक्ति हमका मिली यहाँ? अरे वो है तो मैं बता तो रहा हूँ जिम्मेदारी ना, वही तो वही तो देखते रहते हैं, जैसे मैं कभी कभार चला जाता हूँ तो वही सब देखते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं तो ये इनका अपना रखे हैं कि नगर पालिका रखे? हाँ। नहीं इनका नगर पालिका नहीं रखे है, नगर पालिका कर्मचारी थोड़ी आई जी। तो अपना कर्मचारी मतलब कर्मचारी रखी रहा है? नहीं कर्मचारी हम अपना के नगर पालिका के आश्रय स्थल के कर्मचारी हम माने ओका हमारी जिम्मेदारी है देख रेख के आए ओकर हम केयर टेकर न हो। हाँ माने वो कर ये हमारी जिम्मेदारी में वापस है कि वो का ठीक ठाक चले, सब व्यवस्था हो चाहिए, वो कर एक सिस्टम है कि माने वो का थर्ड पार्टी के माध्यम से संचालित किया जा सका था, जैसे मान ली जुलाई तक है उसके बाद से एक शुरू के 5 साल तक रहा था एक शासन के माध्यम से रहा था कि वो का थर्ड पार्टी से अपन वो का संचालित कर सकी थे। चलिए ठीक है चौबे जी, हम आए रहे ना, अब ये बताइए कितनी संख्या ही आज अपना की है आश्रय स्थल में? अब तब अपना खुद है वहाँ सामने है तो अपना खुद ही पता हुई हम तो भाई रास्ते बने जैसे भाई बस तू कर बहन घरे आए। चलिए ठीक है चौबे जी थैंक यू। तो अपना जेकर आवाज़ सुनर रहन ई यहीं चौबे जी मनोज चौबे का नाम मनोज चौबे जी जे नगरपालिका कर्मचारी यहीं उनका यह देखभाल खीतिर रखा गया है किंतु वो छुट्टी में है और छुट्टी में अपने द्वारा कर्मचारी रखे अपना का करित का है नहीं यहाँ में ऐसे पढ़ाई करते हैं का एक पढ़ाई करी थे अपना वो 12वीं में इस साल कहाँ पढ़ी थे एक क्रमांक एक में। अच्छा जी, तो पढ़ाई करी थे और नौकरी करी थे जी। ये कितना पैसा देते हैं अपना का चौबे जी? ये पैसा नहीं देते हैं, इसे रखे हैं कि तुम यहीं रहो पढ़ाई भी करो इसका देखभाल भी, जब मान लीजिए नहीं रहते हैं वैसे परमानेंट वो रहते हैं, जब कभी कभार नहीं रहते तो अपना देख रेख करते हैं। अपना क्या नाम है? राकेश सिंह। अपना यहाँ क्या करी थे? मैं नगर पालिका में ड्यूटी कर रहा था पहले, अभी मैं नहीं करता हूँ। तो यहाँ क्या करी ला है आश्रय स्थल? यहाँ पर रुके हैं। तो घर नहीं है अपना के? है ना। कहाँ है? बनारस है। बनारस। अच्छा बनारस है जी। तो अब का यहाँ का करी थे अपना रही थे? अभी मेरे को ड्यूटी अभी करना है तभी मतलब कि
नगर पालिका में ही। नहीं तो यह होटल आए ला जाए का आया ये नहीं अपना खिदिरिया बना बगा है अपना पंचन का। नहीं नहीं मेरा रूम उधर है मतलब कि मिला था अब रहने के लिए उस साइड है ना तो उस साइड मेरे को रहने के लिए मिला है फिर वहाँ हम लोग रहते हैं। कौन इसमें हम नहीं रहते हैं। कौन कौन रहता है वहाँ पर? मैं रहता हूँ और बस। तो अपना का नगर पालिका कमरा दे जी तो अपना डेली वेज में रहन अब नहीं करी लगा। डेली वेज पे है। करीत कहाँ है अपना नगर पालिका में? मैं वो वाटर सप्लाई पे रहता था। अच्छा मधुरी वाटर फिल्टर प्लांट है ना तो अब हटाए दी नहीं अपना जी। चलिए ठीक है। ये व्यवस्था है यह व्यवस्था जो है आश्रय स्थल गरीबन का है और गरीबन खीतिर जबकि ब्राह्मी के लड़का खीतिर बनावा गया है पूरी तरह से यहाँ हॉस्टल बने हैं सब व्यवस्था बनी ही किंतु नगर पालिका की यह सिस्टम है जो हमेशा घुन के तरह सीधी कखाई सी आजो स्थिति यह है कि इतनी बड़ी व्यवस्था जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी रही है। ज़रूरतमंद तक व्यवस्था नहीं पहुंच रही है और गैर ज़रूरतमंद यह व्यवस्था के ज़बरदस्त लाभ उठाए रहे हैं। हालात यह है कि एक ब्राह्मी के लड़का यहाँ रह के पढ़ी रहा है एक व्यक्ति जो है परीक्षा दे आवा है और वह परीक्षा दे के एवज में यहाँ जो है रह रहे हैं तो ठीक है यह व्यवस्था का है सरकारों से और हमारा अनुरोध है अधिकारियों से कि यह खबर देखे के बाद अपन प्रतिक्रिया जरूर दें।